कुछ मेमोरीज जो हम शेयर कर सकते हैं यार? हम लोग तो जैसे हमें बंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि मैं थिएटर करता था, तो हमें ना स्कूल के टीचर्स ऐसी अटेंडेंस देते थे, तो हमने तो बंकिंग के नाम पे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे इन्जॉयबल टाइम था। मैंने तो बंक ही किया इन्होंने प्योर तो मैंने प्योर बंक किया। मैं अमेरिका में थी एक साल के लिए, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया। पर एक सब्जेक्ट में मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा मैंने बंक किया, पूरा ही बंक किया, क्योंकि वो सबसे सुबह वाली क्लास थी, तो मैं सोती रहती थी और मैंने बंक किया। और मैं सबको कहूँगी कि ऐसा मत करो प्लीज़, क्योंकि फिर आपको फेल आ जाता है आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो वही मिला और पेरेंट्स को पता लगता है और आप फेल हो जाते हो। हाँ काफ़ी डांट पड़ी थी, लेकिन हाँ मतलब वो फिर मैनेज हो गया। और मेरी कॉलेज की मेमोरी की अगर बात अगर मैं करूँ, तो आई थिंक जब मेरा कॉलेज का स्टार्ट हो रहा था, और पहले ही कुछ दिनों के अंदर मैंने कॉलेज बंक करके हमको दीवाना कर गए देखने गया था मैं अपने दोस्तों के साथ, और टिकट मेरी शर्ट की पॉकेट के अंदर रह गई थी, और मम्मी जब रात को मशीन में कपड़े डाल रहे थे तो पॉकेट चेक करते हैं, तो उनको हमको दीवाना कर गई कि चार टिकटें मिली, तो उन्होंने बोला बेटे कब देखने गए थे, तो उस पर टाइम लिखा हुआ था। मैंने कहा मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की है। तो मम्मी ने बहुत प्यार दिया, और उस प्यार के बाद मुझे कहा कि बेटा कल से कॉलेज जाना, तो मैं गया, तो मेरे लिए कॉलेज है हमको दीवाना कर गए। श्रद्धा मैम, इसके आज ही आपने आर के भी गए थे देखा जाए तो, फिर आर एस क्या जो गए थे किस तरह का एक्चुअली वहाँ पे गई थी, क्योंकि सब मुंबईकर्स को डेफिनेटली पता है कि क्या डिसीजन लिया गया है उन पेड़ों के लिए, कि 2,700 या 3,000 पेड़ों को काटने का डिसीजन ले चुके हैं, और आई थिंक कि 12 सितंबर को वो काटने वाले हैं। एंड आई थिंक उसके पहले हम सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई वुड से कि एवरीवन शुड सपोर्ट दिस, एंड ऐसा भी ऐसा है नहीं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो गई है, एंड उस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने, तो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस।